हेलो दोस्तों, यह है स्प्लेंडर। आप देख सकते हैं इसकी क्लच की कैम है और मैं वहां से लीवर चला रहा हूं और बिल्कुल भी इसमें प्ले नहीं आ रही दोस्तों। तो मैं आपको पहले ऊपर से लीवर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये जैसे दोबारा फेंक नहीं मार रहा है, जैसे बीचते हैं थोड़ा सा बीचा रह जाता है। अभी आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। अब आप देखो ये ऐसे ये वापसी नहीं जा रहा पूरा, तो इसकी वजह से ये छोटी सी दिक्कत है लेकिन बड़ा नुकसान कर देती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगती है, आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग टूट गई है, तो इसकी वजह से तार में तो पिले आई नहीं रही इसमें कैम में और तार में पिले हैं। ये स्प्रिंग का इसमें रोल होता है, जैसे हमने क्लच दबाया ऊपर तो वापसी नीचे जाती है इसे। तो दोस्तों इसकी में ये स्प्रिंग टूट गई है और हम इसकी ये रिपीट जो है हल्की सी यहाँ से ये रिपीट पीट के इसे टाइट कर देंगे और बहरहाल इसमें वो समस्या जो है लीवर फेंकने की वो खत्म हो जाएगी ये स्प्रिंग नहीं डालने के बाद। और ये जो चाल है इसमें इसे पीट देंगे थोड़ी सी रिपीट को, हथौड़ी की मदद से एक्सल की मदद से ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये क्लच कवर खोलेंगे दोस्तों बाहर और फिर कैसे डालनी है और मैं आपको बताता हूँ ये कितने रुपए की आएगी। तो दोस्तों वो स्प्रिंग डालने के लिए क्लच कैम की हमने क्लच कवर खोल दिया है, तो ये वो स्प्रिंग थी आप देख सकते हैं रोड मेरे हाथ में है। इसे हल्का सा मैंने पीट दिया है और इसमें स्प्रिंग ये नहीं डल जाएगी। 10 रुपए की ये स्प्रिंग है, ज़्यादा महंगी आती नहीं है लेकिन इसकी वजह से ना क्लच प्लेट फूक जाती है ये वाली, तो पिकअप में कमी आती है और वो आपको मैंने लीवर दिखाया था उसमें भी फेंक सही नहीं आ रही थी। तो दोस्तों अब इसकी हम सफाई करेंगे और इसमें स्प्रिंग नहीं डाल देंगे और गाड़ी फिट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ होता है, आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पे जाली वाला जो फिल्टर है ये, यहाँ पे एक फिल्टर होता है, तो जब आप क्लच कवर खोलोगे तो उसकी भी सफाई हो जाती है लगे हाथ। तो कंपनी क्या करती है, जैसे फ्री सर्विस जो चलती है कंपनी भी इस कवर को खोल के उस फिल्टर को साफ करती है। जाली वाला फिल्टर होता है, अगर वो टूट फूट जाता है तो नया बदल जाता है, 15-20 रुपए का है, ज्यादा महंगा है नहीं। और नहीं है तो उसको सफाई करना जरूरी है क्योंकि उसी के द्वारा ऑयल चढ़ के साफ होकर छन के ऊपर जाता है। तो दोस्तों ये स्प्रिंग बहरहाल कभी भी आपकी गाड़ी की अगर टूट जाती है स्प्लेंडर पैशन की तो ये खोलने के बाद ही इसे बदलें। कई बार क्या होता है, यूट्यूब पर आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो स्प्रिंग को ऐसे ही डाल देते हैं, इसमें यहाँ को ला कर घुमा घुमा कर डाल देते हैं नूई। आप सर्च करोगे कि स्प्रिंग डालने का जुगाड़, तो बहुत सारी वीडियो आपके सामने ऐसी जाएंगी बिना क्लच कवर खोले ही इसमें स्प्रिंग डल जाती है। तो दोस्तों डल तो जाती है जुगाड़ से, लेकिन वो क्या होता है जब हम इसमें बढ़ाते हैं ना जबरदस्ती तो वो चोट जाती है, ये स्प्रिंग जो है वो ढीली हो जाती है, इसकी फेंक खत्म हो जाती है, वो मजा नहीं आता। लेकिन वीडियो बनाने के लिए लोग ऐसा करते हैं डाल देते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका इसे इस तरीके से खोल के ही डालने में फायदा है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, खोल के डालो, काम आपका बढ़िया होगा जब भी कस्टमर दोबारा आएगा और ये समस्या बिल्कुल आपकी गाड़ी की खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी है, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।